हेलो फ्रेंड्स, चलो कैसे आप लोग? ग्रेट। चलो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट सेक्शन से, राइट? देखो क्या बोलते, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो जो सेक्शन 10 हम लोगों ने देखा, वहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कवर नहीं था। ओके, बताया था आपको, राइट? देखो आप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कवर नहीं था वहां पे, अदर देन लिखा था सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड इनटू इंडिया, राइट? तो अब जो हम देखने वाले हैं वो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू और सप्लाई ऑफ इंपोर्ट ऑफ और इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ओके, तो देखो, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा फिर? अगर गुड्स आपने इंपोर्ट किए या फिर इंडिया से एक्सपोर्ट किए। ओके, तो देखो सिंपल एकदम, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, मतलब अगर गुड्स इंडिया में आए हैं, देन इट शॉल बी द लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। तो मान के चलो आप इंपोर्टर हो और आपने जापान से कोई गुड्स इंपोर्ट किए, शूज इंपोर्ट किया, है ना, जापान से शूज इंपोर्ट किए, तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? तो इंपोर्टर का लोकेशन माना जाएगा। मतलब क्या माना जाएगा? जो आपका लोकेशन है, जैसा आप नागपुर के हो और आपने गुड्स जापान से नागपुर में इंपोर्ट किए, तो फिर व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? नागपुर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, और अगर वो इंडिया से एक्सपोर्ट किए, मतलब नागपुर से आपने एक्सपोर्ट किए जापान को, अब कोई गुड्स आपने नागपुर से जापान को एक्सपोर्ट की, तो देखो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया शॉल बी द लोकेशन आउटसाइड इंडिया, तो फिर क्या आउटसाइड इंडिया माना जाएगा? मतलब क्या माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई? जापान। तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा, है ना? क्यों बेटा ऐसे किया? क्योंकि मैं हमेशा बताते आ रहा हूं, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती, तो इसलिए उन्होंने वो प्लेस ऑफ सप्लाई जो एक्सपोर्ट के केस में माना, वो जापान माना, दैट इज आउटसाइड इंडिया एंड हिंस इट इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी। ओके, ग्रेट। चल फिर सेक्शन 12, अभी काफी लंबा है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, अभी तक हमने जो देखा वो 10 और 11 में गुड्स का देखा, अब हम सर्विस पे आएंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन इंडिया। अगर सप्लायर का और रेसिपिएंट का लोकेशन, आप सब इमेजिन करो, बे पॉइंट है ना, सप्लायर भी इंडिया का है और रेसिपिएंट भी इंडिया का, जैसे मैं और आप, मैं आपको कोचिंग सर्विस दे रहा हूं, राइट? तो सप्लायर मैं कहां का हूं बेटा? इंडिया का। और रेसिपिएंट आप लोग, आप भी कहां के? इंडिया के। तो फिर आप सेक्शन 12 में फंस जाएंगे। ओके, तो जहां रेसिपिएंट भी इंडिया का और सप्लायर ऑफ सर्विस भी इंडिया का, तो फिर ये सेक्शन 12 आएगा। तो देखो सेक्शन 12 क्या बोलता है, राइट? तो देखो क्या क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट लोकेशंस आर इन इंडिया। तो अगर ये दोनों इंडिया में है, सप्लायर और रेसिपिएंट, तो क्या होगा? देखो 12(1), द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शॉल अप्लाई टू डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज इन इंडिया। तो 12(1) तो बहुत ही सिंपल है, क्या बोलता है कि ये 12 में आप तभी एंट्री कर पाओगे अगर सप्लायर का और रेसिपिएंट का दोनों का लोकेशन इंडिया में, तो फिर आप इधर 12(1) में आ जाओगे। ओके, तो देखो क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई, देखो 12(2), प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन कवर्ड इन सेक्शन 3 टू सेक्शन 14। अब क्या मतलब हो इसका? तो आप सबसे पहले वहां पे लिख लो 12(2) के बाजू में, इट इज जनरल सेक्शन। मतलब क्या? जो चीजें सेक्शन 3 से सेक्शन 12 में कवर नहीं हो रही है, तो सेक्शन 3 टू 14 क्या है बेटा? दीज आर स्पेसिफिक सेक्शन, है ना? लिख लो सेक्शन 3 टू सेक्शन 14 आर स्पेसिफिक सेक्शन,
स्पेसिफिक सेक्शन है. तो ये सेक्शंस में ये 3 to 14 में अगर कोई सर्विस नहीं दी, मतलब 3 में स्पेसिफिक है कि मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस दी है, 4 में अलग, 5 में अलग, 6 में अलग, ऐसे 14 तक अलग 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 सर्विसेज दी हर एक सेक्शन. अब वो सेक्शंस में कोई सर्विस नहीं दी हुई है तो फिर बाकी सब सर्विसेज को कौन सा रूल, कौन सा सेक्शन लग जाएगा आपका, 12(2) लग जाएगा. सो इट इज जनरल. तो जिस सर्विसेज का कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है वो सब सर्विसेज यहां आने वाली, मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका सेक्शन 12(2) होता है. है ना. तो देखो, तो मान के चलो कि ये कोई भी ऐसी सर्विस ले लो आप, जैसे ऑडिट सर्विस. सपोज आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट. है ना. तो देखो ऊपर लिखा है, देखा आपको, हाँ, तो आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी. तो मैंने अगर कोई सर्विस मेरे क्लाइंट को दी, कोई भी सर्विस मैंने क्लाइंट को दी, तो फिर वो सर्विसेस का जो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा वो सेक्शन 12(2) में देखना पड़ेगा. क्या रीजन है? क्योंकि ऑडिट की सर्विस 12(3) से लेके 12(14) तक कहीं पे भी नहीं. दीज आर सबसेक्शन, रादर सबसेक्शन 3 से 14 तक ऑडिट की सर्विस कहीं भी कवर नहीं की, तो फिर वो कहां आ जाएगी, सेक्शन 12(2) में आ जाएगी. ओके ग्रेट. तो देखो क्या बोलता है, पढ़ते अपन. देखो द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट सर्विसेज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 to 14. लेकिन अभी बताया मैंने ये कौन सी स्पेसिफिक, तो इनको छोड़ के बाकी सबको ये सेक्शन है. तो देखो कौन सा है, मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शॉल बी द लोकेशन ऑफ सच अ पर्सन. मतलब क्या, अगर ये जो सर्विस है ये सर्विस आपने कोई रजिस्टर्ड पर्सन को दी, जैसा मैंने अभी ऑडिट का एग्जाम्पल आपको दिया, तो शायद आपको पता नहीं होगा मेरे पास टाटा मोटर्स का ऑडिट है ना. छोटी मोटी बातें बताता नहीं हूं मैं, तो टाटा मोटर्स का ऑडिट है. तो आशीष मैंने टाटा मोटर्स का ऑडिट किया, टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन. तो अगर मैं इनका ऑडिट चेन्नई में जाके करता हूं, चेन्नई में जाके इनका ऑडिट करूंगा, मान के चलो टाटा मोटर्स वहां पे चेन्नई, और मैंने वहां जाके उनका ऑडिट किया, तो विच विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बेटा जहां पे रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन. तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन क्या है, चेन्नई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी चेन्नई. आ गया समझ में आपके, ग्रेट सिंपल. तो देखो, मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शॉल बी द लोकेशन ऑफ सच अ पर्सन, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन का जो लोकेशन होगा वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई. है ना. मैंने मुंबई जाके ऑडिट करवाया किसी का, रिलायंस का ऑडिट मुंबई जाके करवाया, तो फिर विच विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, मुंबई, मुंबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. राइट. तो जहां पे अगर मैं किसी को सर्विस दे रहा हूं और वो सर्विस अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूं तो वो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, लोकेशन ऑफ सच ए रजिस्टर्ड पर्सन. तो रिलायंस के एक ब्रांच मान के चलो गुजरात में, और मैं वहां जाके सर्विस दे रहा हूं, तो फिर बताओ कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, गुजरात, लोकेशन ऑफ सच ए पर्सन. ओके. सेकेंड, मेड टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन. आपका एग्जाम्पल ले लो, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं और आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप रजिस्टर्ड हो नहीं, तो फिर क्या माना जाएगा, देखो, शॉल बी द लोकेशन ऑफ सच अ रेसिपिएंट वेयर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट एंड वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ द सर्विस इन ऑल अदर केसेस. सिंपल. देखो, अगर मेरे पास, मैं आशीष, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं और वो सर्विस में मेरे रिकॉर्ड में आपका एड्रेस एग्जिस्टेंस में है, रिकॉर्ड में एड्रेस एग्जिस्टेंस में होना चाहिए कि आप कहां के हो, क्या हो, कैसे हो. तो अगर एड्रेस एग्जिस्टेंस में है तो फिर व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, तो आप जहां के हो. और अगर आपका एड्रेस एग्जिस्ट में नहीं है, अब मेरे क्लासेस में हजारों स्टूडेंट बैठते हैं, अब हर एक का एड्रेस
लोकेशन, हर एक का एड्रेस मुझे पता नहीं, मेरे रिकॉर्ड पे मैं क्या, मुझे क्या काम हर एक का एड्रेस का, आप आओ बैठो क्लास करो निकल जाओ। तो फिर ऐसे केस में व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो फिर उन्होंने बोला लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर का जो लोकेशन रहेगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके तो देखो एक एक बात आप दिमाग में डालते चलो, है ना। देखो कैसे सिंपल, पहला पॉइंट हमने ए और बी ऐसे दो पॉइंट देखा, राइट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस उसमें हमने क्या देखा, ए पॉइंट में अगर सप्लायर, देखो ध्यान से सुनते चलो, अगर सप्लायर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, एग्जाम्पल बताया टाटा मोटर्स या रिलायंस, तो लोकेशन ऑफ सच अ पर्सन मतलब रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, ओके ये पहला पॉइंट। बी पॉइंट में अगर सप्लायर ऐसे पर्सन को सर्विस दे रहा है जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो फिर क्या माना जाएगा बेटा, अगर उसका एड्रेस रिकॉर्ड में एग्जिस्ट है तो फिर रेसिपिएंट का प्लेस, और अगर उसका एड्रेस रिकॉर्ड में नहीं है इन एनी अदर केस देन सप्लायर का प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके सप्लायर का प्लेस मतलब मेरा प्लेस क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, सिंपल। ओके ग्रेट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया क्लासरूम में इतने सारे स्टूडेंट, तो हर एक का रिकॉर्ड रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, हम ऐसे पूछते कि तू कहां से आ रहे भाई, तू कहां से है, तू कहां से है, नो। तो मेरा प्लेस, मैं जहां से सर्विस दे रहा हूं, तो मैं नागपुर में बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो नागपुर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके सिंपल। फिर वो क्वेश्चन दिए, ये क्वेश्चन हर सेक्शन के नीचे दिए, वो आप फिर जैसे ही मैं सेक्शन पढ़ाओ उसके बाद आप इसको रीड कर लो, क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं। ओके जब मैं आपको बताऊंगा ये सब एक्सप्लेन करूंगा तो वो चीजें इसमें भी जो चीजें वो मैं कवर कर लेता हूं, तो आप बस उसको एक बार रीड करके रख देना है। ओके दिस इज फॉर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। चल फिर आगे बढ़ो, सेकेंड 12(3), राइट। तो देखो 12(3) क्या, सर्विसेस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या, लैंड बिल्डिंग, है ना, ऐसे कोई फिक्स स्ट्रक्चर इमूवेबल प्रॉपर्टी उससे कोई सर्विस रिलेटेड है तो देखो क्या है? देखो द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेस डायरेक्टली इन रिलेशन टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, डायरेक्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जैसे इंक्लूडिंग अ सर्विसेस प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट रहते वो मैप वैप बना के देते आपको, फिर इंटीरियर डेकोरेटर घर का इंटीरियर बना के देंगे, सर्वेयर्स रहते मालूम है आपको, इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड अदर रिलेटेड एक्सपर्ट्स और स्टेट एजेंट्स प्रॉपर्टी डीलिंग जो करवा के देते, और एनी सर्विसेस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ राइट्स टू यूज द इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी सर्विस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करने ग्रांट ऑफ राइट्स देती है हमें, फॉर कैरिंग आउट और कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर उसका कोऑर्डिनेशन वाला वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क से कोऑर्डिनेशन वाला वर्क, है ना। बी बाय वे ऑफ लॉजिंग और एकोमोडेशन, होटल में रहने गया तो वहां पे अपन ने एग्जम्पशन में देखा है, देखो आपको याद आ रहा होगा क्या देखा एग्जम्पशन में, जिसका टैरिफ रेट करेक्ट 1000 रुपीज से ऊपर है वही टैक्सेबल है ना, तो उनके केस में बाय होटल इन गेस्ट हाउस होम स्टे क्लब कैंपसाइट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड एंड इंक्लूडिंग हाउस बोट और एनी अदर वेसल्स, हाउस बोट पे सर्विस दी जाती है, वेसल्स पे दी जाती वो सर्विस, या फिर बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में अकोमोडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज रिसेप्शन हॉल रहते मैरिज हॉल्स एंड ऑल राइट, तो वहां पर सर्विस दी जाती है तो वो सर्विस, मैटर्स रिलेटेड टू और ऑफिशियल सोशल कल्चरल रिलीजियस, ये ऑफिस रेंट पे दिए जाते, बट आपने देखा है अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती फॉर द यूज ऑफ रेसिडेंस तो फिर वो टैक्सेबल नहीं, वो एग्जेम्प्टेड में देखा अपन, राइट। और बिजनेस फंक्शन इंक्लूडिंग सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू फंक्शन एट सच अ प्रॉपर्टी, कोई फंक्शन से रिलेटेड हमने कोई हॉल बुक किया, मैरिज हॉल, बर्थडे पार्टी हॉल या फिर कोई रिसेप्शन हॉल वो बुक किया हमने, तो ये सर्विस है एक प्रकार की। और एनी एंसिलियरी सर्विस
टू सर्विसेज रेफर्ड इन ए बी और सी, तो ए बी और सी से रिलेटेड और भी कोई उससे रिलेटेड कोई सर्विस, एंसिलियरी सर्विस है ना, एंसिलियरी सर्विस रिलेटेड सर्विस, ओके। तो अगर ऐसी सर्विस हम लोग लेते हैं, ऑल दिस टाइप ऑफ सर्विसेस इंक्लूडिंग एंसिलियरी सर्विस, ओके, तो फिर देखो क्या है, शॉल बी द लोकेशन एट विच सच अ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल एज द केस मे बी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, वेरी सिंपल। तो हम गए कहां, हम घूमने गए कुल्लू मनाली और वहां पे हमने होटल बुक किया है जिसका रेंट है 800 रुपए टैरिफ रेट, बताओ क्या टैक्सेबल होगा? नहीं, टैक्सेबल होने का सवाल ही नहीं, राइट। बट अगर उसका टैरिफ रेट है मान के चलो 2000 रुपए कुल्लू मनाली, तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? कुल्लू मनाली, राइट। तो जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड, ओके। जैसे हमारा कोई घर है मान के चलो हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो घर के कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया, इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस ली, इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस ली हमने। सो हमारा घर कहां पे, हमारा घर है मान के चलो भटिंडा पंजाब, तो बताओ व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? भटिंडा, जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है बेटा, लोकेटेड है और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। व्हाट डू मीन बाय इंटेंडेड टू बी लोकेटेड? तो देखो ये क्या रहते हैं इंजीनियर्स लोग वगैरह, हमारा हमने घर के लिए एक इंजीनियर को मैप निकालने के लिए बुलवाया, अब वो घर देखो बना ही नहीं है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुई है, लेकिन आपने उसकी सर्विस तो ले ली ना वो मैप बनाने की, सो दैट इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, जहां वो प्रॉपर्टी खड़ी होने वाली है बनने वाली, वो प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ऐसा माना गया, ओके ग्रेट। अब देखो आगे क्या बोलते, प्रोवाइडेड दैट इफ द लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई शॉल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। देखो तो ये प्रोविजो क्या बोलता है कि अगर आपके वो जो प्रॉपर्टी है, मान के चलो मेरा एक बंगलो है, कहां है बंगलो? न्यूजीलैंड में एक बंगलो है हमारा, अब वो बंगलो का मुझे इंटीरियर डेकोरेशन करवाना है, तो हमारे यहां एक मिस्टर मुकुल करके काफी फेमस इंटीरियर डेकोरेटर, तो मैंने उनको बोला कि जाओ और न्यूजीलैंड के मेरे बंगलो का इंटीरियर डेको, पूरा बंगलो एक नंबर दिखना चाहिए, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस दो। तो मिस्टर मुकुल गए न्यूजीलैंड और उन्होंने पूरा इंटीरियर डेकोरेटर डेकोरेशन का सर्विस दिया। अब देखो ये इंटीरियर डेकोरेटेड डेकोरेशन की जो सर्विस दिया ये तो आउटसाइड, अब ये अगर सर्विस आप देखेंगे जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो रूल लगाएंगे तो ये तो आउटसाइड इंडिया हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, और फिर यहां जीएसटी नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। अब देखो ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेशन में आप इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस ले रहे हो, तो ये कौन ले रहा है, रेसिपिएंट कौन है? तो रेसिपिएंट आशीष है। आशीष कहां बैठा हुआ है? मेरा बंगलो है। आशीष कहां बैठा हुआ है? नागपुर। सो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द नागपुर, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुर मान लो। आए आपके समझ में? तो जहां पे रेसिपिएंट लोकेटेड होगा, अगर प्रॉपर्टी, बेटा ये सब ध्यान रखो, ये एग्जाम्पल आप सब लिख लो, अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो फिर प्लेस ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे रेसिपिएंट का लोकेशन होगा, ओके okay? फिर एक्सप्लेनेशन, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटोरी, द सप्लाई ऑफ सर्विस शॉल बी ट्रीटेड एज मेड इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटोरी इन द प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विसेज सेपरेटली कलेक्टेड और डिटरमिंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एंटर्ड इन टू इन दिस रिगार्ड और इन द अब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब क्या मतलब हुआ इसका? देखो अब मेरे चार जगह अलग अलग बंगलो है, एक मुंबई में, एक बेंगलोर में है, एक भटिंडा में है और एक पटना में, ऐसे चार जगह अलग अलग बंगलो।
और मैंने एक इंटीरियर डेकोरेटर हमारा मुकुल उसको बोला कि चारों प्रीमाइसिस का मुझे इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस चाहिए, चारों बंगलों की, मुंबई में भी चाहिए, बेंगलुरु में भी चाहिए, भटिंडा में भी चाहिए और पटना में भी चाहिए। अब देखो अलग अलग इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस है, मतलब मान के चलो मुंबई के बंगलों की अलग, फिर बेंगलुरु की अलग, फिर पटना की अलग और भटिंडा की अलग। तो अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे माना जाएगा? तो इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन, राइट? तो फिर ऐसे केस में उन्होंने क्या बोला, इन द प्रपोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस। तो फिर वो मुकुल जब मुझे बिल देगा, वो बिल में वो लिख के देगा कि मुंबई के प्रॉपर्टी का इतना रुपए हो गया, बेंगलुरु के प्रॉपर्टी का इतना हो गया, भटिंडा का इतना हो गया, पटना का इतना हो गया। तो इन द प्रपोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई, अब देखो प्लेस ऑफ सप्लाई तो वही है, कौन सा, जो मुंबई का बंगलो है तो मुंबई, पटना का है तो पटना, बेंगलुरु का है तो बेंगलुरु और भटिंडा का है तो भटिंडा। लेकिन अब वैल्यू कितनी मानू, जैसा अब मैं नागपुर में बैठा हुआ, देखो जैसा मैं नागपुर में हूं और हमारा सप्लायर भी नागपुर में, मुकुल का रजिस्टर्ड ऑफिस भी कहां पे, नागपुर में। अब ये मुकुल चार लोगों को चार बंगलों को सर्विस दे रहा है अलग अलग, राइट? तो एक दे रहा है मुंबई के बंगलों को, बेंगलुरु, फिर भटिंडा एंड पटना। अब देखो उसने मुझे मान के चलो 10 लाख रुपए का बिल दिया और इसके 2.5 लाख रुपए, इसके 2.5 लाख रुपए, इसके 3.5 कितना हो गया, 5 और 8 और इसका 1.5 लाख बिहार के। अब प्लेस ऑफ सप्लाई तो मिल गया, इसका मुंबई है, इसका बेंगलुरु है, इसका भटिंडा है और इसका पटना, लेकिन वैल्यू कैसे गिनेंगे आप? तो फिर उन्होंने बोला इन द प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन मतलब इस पे एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा मुंबई, इस पे आईजीएसटी, इस पे आईजीएसटी और इस पे भी आईजीएसटी, क्योंकि सप्लायर का प्लेस और जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई दिया हुआ है अलग अलग। आया समझ में आपके? ठीक, तो वही वहां पे दिया। और अगर ये स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर स्पेसिफाइड नहीं, एग्रीमेंट स्पेसिफाइड नहीं है, फिर ये ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो अभी रूल्स आने के है ना, रूल्स येट टू कम, अभी आने के, इन द एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर रूल्स में जाके देखना पड़ेगा। तो अभी रूल्स, ये जो रूल्स है इसके लिए, वो रूल्स अभी बनना बाकी। ओके okay?